बैठे आराम फरमा रहे हो और वहां कोई महंगे महंगे गिफ्ट देकर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, साफ साफ बता। भाई इन आंखों ने जो देखा सच सच बता रहा हूँ, सोने की चेन विद पेंडेंट गिफ्ट किया गया है। किसने किसको गिफ्ट किया? वीर प्रताप ने तुम्हारी हीरोइन निकिता को गिफ्ट किया है। क्या बोला तू? अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? बड़ों ने कहा है कॉलर छोड़ो, बैठो। बड़ों ने कहा है जब अपनी संपत्ति लूट रही हो ना तो अकलमंदी इसी में है कि उसकी रक्षा की जाए। अरे निकिता के प्रति तुम्हारे दिल में जो भावना है वो किसी और के दिल में हो सकती है क्या? और तो और तुम उसकी फिल्म को फाइनेंस कर रहे हो और तुम्हारे फिल्म के सेट पे आके कोई और गिफ्ट देके जाता है, कितनी बुरी बात है। भाई मेरा काम था खबर करना, कर दिया। अब तुम जाने, तुम्हारी निकिता जी जाने, तुम्हारे वीर प्रताप जाने, मैं चलता हूं। कुछ पैसे मिल जाते थे थोड़ा आनंद। मैं भी कितना पागल हूं, वक्त की नजाकत को नहीं देखता हूँ, पैसे मांगने लगता हूँ। पैसा क्या फिर भी लिया जा सकता है, कोई बात नहीं, कल परसों ले लेंगे। चलता हूँ, जयराम जी। हेलो। हेलो करण, शालिनी बोल रही हूँ। शालिनी मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। उस दिन जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगना चाह रहा था। प्लीज प्लीज करण, माफी मत मांगो। सच कहूँ तो तुम्हारे जैसा जीवन साथी जिस लड़की को भी नसीब होगा वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी। एक बात बताओ, तुम में जो गुण है ना, अगर उसका थोड़ा सा भी अंश मैं दीपक में देख सकूं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी। बस उम्मीद लगा के बैठी हूं कि हमारे बीच फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जो चाह रही हो तुम्हें मिले। हाँ करण, बस इसी उम्मीद को अपने जीवन का मकसद बना रखा है। करण वो तुमसे कुछ मांगू तो मना तो नहीं करोगे ना? अरे तुम मांग कर तो देखो। तुम्हारी दोस्ती का साथ। करण जो मैं जिंदगी की मुश्किल लड़ाई लड़ रही हूं उसमें अगर तुम्हारी दोस्ती का साथ हो तो मेरी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब तुमने ऐसी बात मांगी है जो तुम्हें मांगनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? क्यों मतलब? अरे भाई तुम चाहो या ना चाहो मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त रहूंगा। अब ये बताओ कि इस दोस्त से मुलाकात होगी या नहीं? मैंने कहा ना करण, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, अगर उम्मीद से दुनिया कायम है तो फिर हमारी दोस्ती भी कायम है। बाय बाय। इसे उतार दो। किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे गले में जो चेन लटक रही है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जिसने तुम्हें ये तोहफा दिया उसको वापस कर दो। अच्छा, तो ये खबर तुम्हारे जासूसों ने तुम तक पहुँचा ही थी। निकिता ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी फिल्म का फाइनेंसर हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारा हुक्म मानना होगा, यही कहना चाहते थे? जैसा तुम समझना चाहती हो वैसा समझ लो। और अगर मैं मानने से इनकार कर दूं तो? मत मानो, तुम्हारी दोनों फिल्मों का काम मैं बंद करवा देता हूँ। To hell with you and your films. जो कल बंद करवाने वाले हो उसे आज ही बंद करवा। वैसे मैंने सोचा था कि ये तोहफा मैं वीर को वापस कर दूंगी, लेकिन अभी अभी मैंने ये फैसला लिया है
कि ये पेंडेंट मैं हमेशा अपने पास ही रखूं। तुम्हारी फिल्म से तुम्हें ही मैं बाहर कर सकता हूं। समीर भाई क्या कर दिया यार, क्यों छौंका लगा दिया मेरी हीरोइन के मूड को, क्या जरूरत थी धमकाने की यहाँ आकर हैं? और तुम दोनों के लड़ाई में मेरा तो कांड हो गया ना, पता है शेर पे सवार शेर हूँ। तुमने कहा फिल्म बंद कर दे, उसने कहा फिल्म छोड़ देंगे, अब करो। अबे मेरा भी तो सोच लिया होता। जल्दी मिलने वाला हूं उस शख्स से जिसकी तुमने जिंदगी भर पूजा की और जिसने तुम्हें बदले में दिया है मौत। बहुत जल्द मिलने वाला हूं उस शख्स से जिसने तुम्हारी सांसों को खत्म किया है। मरने के बाद ही क्यों ना सही, लेकिन मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलवाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी जगह, तुम्हारी इज्जत मैं वापस दिलवाऊंगा मां। ये वादा रहा एक बेटे का अपनी मां से, अपनी मां की यादों से। I promise you. बस बेटा बस बस कर। अब कैसा आपका सर दर्द? पहले से बेहतर है। मैं आपके पैर भी दबा देती हूँ। नहीं 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 बेटा नहीं, बहुत सेवा कर ली मेरी, खुद भी थक गई होगी। इसमें थकावट की क्या बात है, आपकी सेवा करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और वैसे आपकी सेवा करने में मेरा अपना स्वार्थ है। स्वार्थ? आशीर्वाद जो मिलता है मुझे आपका, मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है। माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं देगी तो किसे देगी? नेहा बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, मगर कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाती। उस दिन तुम निकिता के साथ क्यों झगड़ी थी? वो तो मुझसे मिलने आई थी, मेरी तबीयत के बारे में पता करने आई थी, और देखा जाए तो एक तरह से मेहमान थी हमारे घर की। माँ जी, आप निकिता को नहीं जानते। मैं जानती हूँ निकिता को, उसकी राती नहीं। खैर छोड़िए ये सारी बातें। माँ जी ये बताइए ना कि मैं आपकी ज्यादा सेवा करती हूँ या फिर निकिता आपकी ज्यादा सेवा करती थी? Thank you.
मेरी बहू। बुआ जल्दी आइए, खाना खा लीजिए। राम राम। ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ, ले गर्मा गर्म। आप दो दो, मैं नहीं खा सकती बुआ। खा सकती, खा खा। अच्छा आप बैठिए, खाना खाने चलिए। ले बाबा, चल बैठ जाती हूँ। हाय राम राम। खा तो, आप लीजिए तो। अरे वाह, बड़ा सुंदर है ये तो, नया लिया? नहीं खरीदा नहीं है, तोहफा मिला। लो कर लो बात। भाभी जरा पूछो तो इससे, किसने दिया इतना महंगा तोहफा तुझे? वीर नाम है उसका। वीर? ये वीर कौन है बेटा? कुछ दिन पहले तक तो जान पहचान भी नहीं थी, पर अब ऐसे लगता है जैसे कि परसों से जानती हूँ उसे। लेकिन बेटा इतना महंगा तोहफा? पापा मैं जानती हूँ, लेकिन उसने ऐसी भावनाओं से दिया कि मैं इस तोहफे को ना नहीं कह पाई। वो कह रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही औरतें उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उसकी माँ और उसकी मंगेतर, जिन्हें अब वो खो चुका है। वो कह रहा था कि वो मुझ में कुछ अपनापन सा महसूस करता है, इसलिए उसने मुझे ये तोहफा दिया है। ये कौन है बेटा जिसके साथ तुम्हें इतना अपनापन सा लगने लगा है? बहुत ही अलग किस्म का इंसान है, और अजीब सी बात तो ये है माँ कि मुझे वो अपना जैसा लगता है, और उसकी बहुत सी आदतें तो पापा जैसी भी हैं। लो कर लो, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा बेटा दिखाना था ना ये। ले लीजिए। बड़ा खूबसूरत लॉकेट है, देखते हैं। ये तुम्हें मिला कहां से? अभी अभी तो बताया पापा, ये मुझे वीर ने दिया है। इसमें एक तस्वीर उसकी माँ की और दूसरी उसकी मंगेतर की। बेटे मैं मिलना चाहता हूँ। किसे? ये लड़का वीर, जल्द से जल्द। क्यों? आप इस लड़के को जानते हैं या फिर इन दो औरतों में किसी को जानते हैं? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? अरे अरे क्या ऐसा क्या कह दिया मैंने कि पापा इतना गुस्सा हो गए? पहली बार मैं पापा को इस तरह खाना छोड़कर जाते हुए देख रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया अचानक। सावित्री, आज कितने सालों के बाद तुम्हारी तस्वीर देखी है, कितनी पुरानी यादें ताजा हो गई है। और ये वीर, वीर तुम्हारा बेटा है? वीर के पिता कौन है? तुम कहाँ? तुम जिंदा हो तो आज तक कहाँ थी? कितने सारे सवाल। पर जवाब किसी का भी नहीं। सावित्री, मुझे तुम तक पहुंचना ही है, और तुम तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारे बेटे वीर से मिलना ही होगा। हे भगवान, आप इस तरह सर पकड़ के क्यों बैठे? नहीं वो कुछ दर्द हो रहा था सर में। सर दबा? नहीं 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 नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बात सर दर्द की नहीं है, कुछ और है, है ना? नहीं, बस वो नेहा के बारे में सोच रहा था कि वो विद्या से जब से उसकी कहा सुनी हुई है उसने फोन करना ही बंद कर दिया। नेहा तो पहले से हमसे बहुत नाराज थी, और अब तो हाँ हाँ उसका रवैया ही बदल गया है।
लेकिन आप इस वक्त नेहा को लेके इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप जाइए, आप सो जाइए। अरे मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम टाल देती हो। अच्छा बाबा सॉरी, कही क्या कह रहे थे आप नेहा के बारे में? नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं कहना मुझे, अब मुझे नींद आ रही। अरे क्या हो गया आपको? कभी कुछ कभी कुछ। बहुत परेशान है नेहा को लेकर। इस फाइल में हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हमारे मार्केटिंग शेयर्स क्या हैं, सब कुछ है। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो खुद ही पढ़ के ले लेना, मुझसे मत पूछना। तुम्हारे पास निकिता का नंबर है? निकिता? अरे निकिता शर्मा। जी हाँ है। क्या है बोलो। देखिए मेरे पास निकिता शर्मा का नंबर जरूर है, लेकिन आपको क्यों दूं मैं? और बेहतर यह होगा कि आप मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग ही रखें। और वैसे भी क्या काम है आपको निकिता शर्मा से? अरे भाई निकिता इतनी बड़ी हीरोइन है, मैं उसका फैन हूं, कम ऑन। अगर आप उसके फैन हैं तो उसका नंबर किसी और से ले लीजिएगा। और इस फाइल से अगर आपका काम खत्म हो गया तो इस फाइल को ले जाना चाहूंगा मैं। बेचारा कैसे इनसिक्योर हो गया निकिता शर्मा के नाम पर। नहीं जानता निकिता मेरे लिए क्या मायने रखती है, अनजान है। मेरे और निकिता के रिश्ते को लेकर अनजान है। ये मौसम वही है, वही है।